16 जून को आदि पुरुष के रिलीज होने के बाद हर शो में आके बैठेंगे हनुमान जी, क्योंकि मेकर्स ने अपनी रामायण कथा को थिएटर में दिखाने के लिए एक तगड़ा प्लान बनाया है। और वो प्लान है कि जितने भी थिएटर में ये स्क्रीनिंग होगी उन सारे थिएटर में भगवान यानी कि राम के प्रिय भक्त हनुमान के लिए एक सीट रिजर्व की जाएगी, ताकि फिल्म जब रिलीज हो तब अपने प्रभु राम को, सीता मैया को और लक्ष्मण भैया को देखने हनुमान जी खुद पधारें। दरअसल मेकर्स ने खुद फैसला किया है कि फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान हर थिएटर में एक सीट खाली होगी। ये सीट भगवान हनुमान को डेडिकेट की जाएगी और इसकी टिकट बेची नहीं जाएगी, ये सीट भगवान हनुमान जी की होगी। ये भगवान हनुमान के प्रति लोगों के प्रेत के जश्न मनाने के मकसद से किया जाएगा। लिहाजा इस बारे में ऐलान करते हुए मेकर्स ने बयान में ये लिखा है, जब भी रामायण का पाठ किया जाता है तो वहाँ पर भगवान हनुमान जी प्रकट होते हैं। ऐसे में ये हमारा भरोसा है कि प्रेत का सम्मान करते हुए आदि पुरुष की हर स्क्रीनिंग के दौरान एक सीट बिना बेचे रिजर्व रखी जाएगी। राम के सबसे बड़े डिवोटी के सम्मान देने का इतिहास सुने। इस महान काम को शुरुआत हमने अननोन वे से किया है। हम सभी को भगवान हनुमान जी की मौजूदगी में आदि पुरुष को ग्रेट गेंडुअर के साथ देखना चाहिए। यानी कि अब 16 तारीख को आप जब थिएटर में फिल्म देखने पहुंचेंगे तो आपको एक सीट खाली दिखेगी, जिसको हनुमान जी के लिए खाली रखी गई है, ताकि श्री राम जी के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी देखें। कहा जाता है कि जहां श्री राम जी की बात होती है वहां जरूर हनुमान जी प्रकट होते हैं। ऐसे में 16 जून को उनके सम्मान के लिए एक सीट खाली रखी जाएगी। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारा चैनल सिनेमैटिक्स रिव्यू अड्डा सब्सक्राइब करना ना भूलें।